रघु को पाने के लिए माया ने बदला अपना अवतार। सज धज कर रघु को इम्प्रेस करने के लिए माया है तैयार। सीरियल गठबंधन में आज हम आपको माया का वो अंदाज दिखाएंगे जिससे आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं। जिस माया को आपने हमेशा टॉम बॉयश लुक में देखा है, आज वो माया एकदम ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही है। वैसे माया का ये रूप है काफी हटके। देखिए तो जरा, माया ब्लैक कलर की साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन माया का ये अवतार देख कर रघु होते हैं काफी हैरान। ये सब क्या बना है तुमने? इसको ना साड़ी बोलते हैं। अरे मेरे को पता है, तू ये सब छोड़ ना। ये बता कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। बस सिर्फ अच्छी। अरे ठीक से देख ना, कितनी मेहनत से तैयार हुई है मैं तेरे लिए। अरे यार बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बोले तो एकदम झकास। अरे तेरे को बोलो ना, बहुत अच्छी लग रही है। अभी अपन को काम पे जाना है। अरे रुकना, मैंने भी तो तेरे को काम के लिए रुका। अब देखना, मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है और उसके साथ के लिए चूड़ियाँ ही नहीं है, तो मुझे ना चूड़ियाँ खरीदनी। भाई रघु का हैरान होना तो बनता है ना, आफ्टर ऑल माया ने ये सब रघु को तो इम्प्रेस करने के लिए किया है। कुछ तो करना पड़ेगा रघु को अपनी तरफ खींचने के लिए। सो उसने माया ने अपने सारे पुराने टॉम बॉय टपोरी वाली अदाएँ छोड़ के थोड़ी औरत बनने की कोशिश की, थोड़ी नज़ाकत लाने की कोशिश की है, ताकि रघु जैसे धनक की तरफ अट्रैक्ट होता था, अब वो माया की तरफ हो जाए। और शादी के लिए उसने हाँ कह दी है, बट फिर अभी और अच्छे से दिल से वो मुझे अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर ले। माया रघु इम्प्रेस हुए या नहीं ये तो हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल जरा अपने लुक के बारे में बताइए, क्योंकि आज आप बाकी बला की खूबसूरत लग रही हैं। Yes, my help me get ready. I wore a saree for the first time. Maya wore a saree for the first time. अब उसके वो पुराने झल्ली वाले अटायर नहीं रहेगा। She wore a saree, so a little Maya-ish kind of. Thank you. एक सीन में माया हमने ये भी देखा कि आप रघु से सावित्री माई की कसम खिलवा रही हैं। आखिर किस बात की कसम दे रही हैं आप, जरा हमें भी तो बताइए। मैं इमोशनल अत्याचार कर रही हूँ मैं उस पर, कि अब मैं उसको माई की कसम खिलवाना चाह रही हूँ और उससे मैं कहती हूँ कि सच बता कि जो जो चीज़ें तो पहले धनक के लिए करता था, उसको हर चीज़ के लिए हाँ बोलता था, लेकिन मेरे लिए तेरे पास सारे बहाने हैं मुझे मना करने के लिए। तो अब तो माई की कसम खा के बोल कि तू धना को भी ऐसे ही ट्रीट करता, क्योंकि बाइकू को ऐसे ही ट्रीट करता जैसे मुझे कर रहा है। माया से तो बातचीत हो गई, अब रघु से भी जान लेते हैं कि आखिर माया की बातों में आकर उन्होंने सावित्री माई की कसम कैसे खा ली। अरे नहीं नहीं यार, वो प्यार की कसम मैंने नहीं खाई थी, वो माया मुझे ज़बरदस्ती माई के हाथ पे सर रख के बोलती है कि जो तुम्हें माई की कसम है सच बोल, तुझे माई की कसम है सच बोल के तू धनक के लिए जो करता मेरे लिए वो करता कि नहीं, वो पूछ रही थी। तो शायद रघु के पास उसका कोई जवाब नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो खुद सोच में पड़ गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं धनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, तो उसी कन्फ्यूजन में था। और फिर उसने अपना वापस जो है नेगेटिव वाला नेगेटिव मोड में आ गया और उसको बोलने लगा कि तेरा बहुत बड़ा दर्जा है और धनक से भी ज़्यादा है और तुझे मैं उससे ज़्यादा प्यार करूँगा। रघु ये कैसी कश्मकश में फंस गए हैं आप, एक तरफ माया दूसरी तरफ आपकी बीवी धनक, क्या होगा आपका फैसला? रघु को तो ये सब समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि वो अभी खुद नेगेटिव बहुत नेगेटिव हो रखा है धनक के लिए, तो अगर कुछ अच्छा भी होगा तो उसको वो दिखेगा नहीं। तो वही है कि अब माया माई पहले से कोशिश कर रहे थे और रघु को कभी कभी दिखता भी था, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब वो खुद नेगेटिव है तो बाकी उनका इसमें कोई वो है ही नहीं। वेल आज तो रघु ने सावित्री माई के सर की कसम खाकर ये कह दिया है कि वो माया से प्यार करते हैं। क्या यही सच है या फिर सावित्री माई को खुश करने के लिए दिखावा? वैसे रघु के इस कदम पर क्या होता है धनक का रिएक्शन, ये भी हम आपको वक्त के साथ बता देंगे। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।